इस दुनिया में लोगों को मन ही मन गलत फहमियां पैदा करने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसी गलत फहमी का शिकार हो गए थे अभय और कामिनी, क्योंकि किसी ने उन दोनों को अकेले क्लासरूम में देख लिया था। लेकिन किसने पकड़ा था अभय और कामिनी को ऐसे एक दूसरे के साथ? क्या क्लियर कर पाएंगे दोनों इस गलत फहमी को? अचानक हुई आवाज से अभय चौंक उठा और कामिनी को खुद से दूर करते हुए एकदम से चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। यू, तुम दोनों को रोमांस करने के लिए यही जगह मिली? पता है ना ये क्लासरूम है। तुम तो अविनाश की गर्लफ्रेंड हो ना, तुम यहाँ कैसे? पल्लवी, तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ओह खैर, मुझे क्या, सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मैं जाती हूँ, यू गाइस कंटिन्यू। हमें भी चलना चाहिए कामिनी, काफी लेट हो गया है। अभय, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। ओके, लेकिन मैंने तुम्हें जो बोला वो तुम्हें याद है ना? अभय ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। कामिनी भी अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गई। तभी अंदर से पल्लवी भी बाहर आ गई और शर्मिंदा होते हुए बोली, अभय उस दिन क्लब में जो भी हुआ मुझे अब तक उस बात का दुख है। अविनाश ने तुम्हारे साथ सही बर्ताव नहीं किया था, उसकी तरफ से आई एम सॉरी। भूल जाओ उन बातों को, फिर भी मुझे सॉरी बोलने का मौका तो मिलना चाहिए है ना? तुम्हें कल मेरे साथ डिनर पर चलना होगा, मेरी ट्रीट, चलोगे ना? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वहाँ आ गया तो मैं तुम्हें बचाने से मना कर दूंगी। अच्छा, क्यों, डर गई अपने बॉयफ्रेंड से? मैं नहीं डरती किसी से, चलो तुम मुझे अपना नंबर दे दो, फिर हम कल मिलते हैं। दूसरी तरफ अपने ऑफिस में दीपक अपने भाई मुकुल के साथ बैठा हुआ था। दीपक के हाथ में एक डॉक्यूमेंट था जो वो ध्यान से पढ़ रहा था। पहले बैंक मैनेजर कशिश दिल्ली में काम कर रही थी और फिर अचानक से वो मुंबई आ गई। फिर हमें रॉयल बैंक का नोटिस आता है कि अब वो हमें फंड्स नहीं देंगे। ये सब तेरी गलती है मुकुल, तुझे उस दिन कशिश के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं भैया? बदतमीजी तो आपने अभय के साथ भी की थी, क्या पता अभय ये सब करवा रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको अभय को बर्बाद करना है तो आप जल्दी से जल्दी कामिनी से शादी कर लो। दीपक और मुकुल के प्लान से अनजान अभय अपने रूम में लेटा हुआ था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कौन थी वो लड़की? वो जल्दी से उठा और जैसे ही अपने कमरे के बाहर गया उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने देखा कि उर्वशी उसके मम्मी पापा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। आहन बेटा, तुमने पहले उर्वशी के बारे में कभी बताया ही नहीं। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों आराम से बैठकर बात करो, हम लोग चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमको मेरा एड्रेस कैसे मिला? अभय, हम इतने दिन बाद मिले हैं और तुम मुझे ऐसा रिएक्शन दे रहे हो, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। दिल्ली में तुम्हारे गैंग को खत्म कर तो दिया मैंने, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम अभय, जब से मैंने तुम्हें अपने आदमियों से लड़ते हुए देखा है ना, तब से मैं तुम्हारी दीवानी हो गई हूँ। तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो। क्या बकवास कर रही हो उर्वशी, दिमाग का कोई तार हिल गया है क्या तुम्हारा? उर्वशी ने अपना फोन निकाला और उसमें रिया, प्रेरणा और रेणुका की तस्वीर दिखाई। तस्वीर में तीनों के सिर पर बंदूक तनी हुई थी। अभय उन तस्वीरों को देखकर चौंक गया। ये सब क्या है, क्यों कर रही हो ये सब? ये तीनों तुम्हारी बंदूकें बेचने वाली थी तो मैंने इनके सर पर ही बंदूकें तान दी। उन्होंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, उन्हें जाने दो। मैं क्यों उन्हें ऐसे ही जाने दूं? लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। उर्वशी, खेल खेलना बंद करो और बताओ कहाँ रखा है तुमने उन तीनों को? शहर के बाहर बोतल फैक्ट्री में, जो यहाँ से 30 मिनट दूर है। और हाँ, तुम्हारे पास भी बस 30 मिनट ही है। अभय जैसे ही घर से बाहर निकला वैसे ही उर्वशी खुद से बोली, अभय अगर तुम मेरे नहीं हुए तो तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अभय आ रहा है वहाँ, मार डालो उसे और उन तीनों को भी। वही दूसरी तरफ अभय को मिहिका का कॉल आता है। मिहिका, रिया, प्रेरणा और उनकी माँ को उर्वशी ने किडनैप कर लिया है। क्या, पर क्यों, और तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं बस उन्हें बचाने जाने के लिए ही निकला हूँ मिहिका। अभय, इसमें जरूर उर्वशी की कोई चाल होगी। मैं अपने कुछ आदमियों को भेजती हूँ वहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम जल्द से जल्द मुझे लोकेशन भेजो। क्या दीपक और मुकुल कामयाब होंगे अपने प्लान में? क्या सच में नाइट फाइटर 2 है सारी मर्डर के पीछे? जानने के लिए सुनते रहिए शो बंदा ये बैड एस है, आपके फेवरेट पॉकेट एफएम पर।